ये तीनों चोर हैं और इन्हें पता चला है कि इस घर में एक पूर्व सैनिक अकेले रहता है। कुछ दिनों पहले उसकी बेटी को एक अमीर लड़की ने अपनी कार से कुचल दिया था, जिस वजह से उस सैनिक को भुगतान में 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। वो तीनों उस घर की निगरानी के लिए जाते हैं और पता चलता है कि वो सैनिक अंधा है। उस रात वो सैनिक के घर आते हैं और घर के कुत्ते को बेहोश करने के लिए बेहोशी की दवाई से मिला हुआ एक मांस का टुकड़ा खाने के लिए देते हैं। घर के अंदर घुसकर वो तीनों पैसों की तलाश में लग जाते हैं। एक चोर उस सैनिक को बेहोश करने के लिए ऊपर जाता है। वो उसके रूम में पहुंचकर बेहोशी की गैस रख देता है। उन तीनों को एक दरवाजा दिखाई देता है जो लॉक है। उन्हें लगता है कि पैसे उसी कमरे में होंगे, जिस वजह से वो दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। उनको लगता है कि सैनिक बेहोश है, इसलिए वो गोली मारकर दरवाजे का ताला तोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, वहाँ सैनिक आ जाता है। वो एक चोर की आवाज़ सुनकर उसके पास जाने लगता है। वो चोर सैनिक को डराने के लिए गोली चलाता है, लेकिन सैनिक बिना डरे उसकी ओर बढ़ता है। उस चोर की बंदूक छीनकर वो उसको गोली मार देता है। उस सैनिक को अभी पता नहीं है कि घर में और 2 चोर मौजूद हैं, लेकिन घर में और जूते मिलते हैं, जिससे उसको पता चल गया है कि घर में और भी चोर मौजूद हैं। वो तुरंत घर के दरवाजे बंद कर उनकी खोज में लग जाता है।